अस्सलाम क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू सेवन रसन यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज का अख्तिताम हुआ है। इंग्लैंड ने 1-0 से 10 साल के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में अपनी सरजमीन पर शिकस्त से दोचार कर दिया है। पहला सेशन पहले टेस्ट मैच का पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छा खेला, दूसरा, तीसरा, फिर पांचवें टेस्ट मैच जो पांचवा सेशन था आखिरी टेस्ट मैच का, वो पाकिस्तान टीम ने ख़राब खेला और उस क्या हुआ कि हमें 1-0 से ये सीरीज हारनी पड़ी। इस टेस्ट सीरीज में अजहर अली की कप्तानी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि उनको कप्तानी से हटाया जाए। मेरा ये मानना है और मेरा ख्याल है कि अभी हमें अजहर अली को आगे जितनी भी सीरीज हैं और पूरी टेस्ट चैम्पियनशिप में अजहर अली को ही एज अ कप्तान, एज अ प्लेयर टीम में खिलाना चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अजहर अली ने आखिरी टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, 170 रन स्कोर किए हैं पूरे टेस्ट मैच में, आई थिंक के इंग्लैंड में इस तरह का जो कप्तान है वो कम ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मिसबाह उल हक के बाद पाकिस्तान की तरफ से अजहर अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह से हाइप क्रिएट हो रही थी सोशल मीडिया पे नसीम शाह को लेकर और शाहीन शाह पीडी को लेकर। बहुत ख़राब बॉलिंग पाकिस्तान की रही, स्पेशली आखिरी टेस्ट मैच में 583 रन करवा दिए जैक क्रॉली से और जोस बटलर ने शानदार इनिंग खेली। जैक क्रॉली को बहुत ओपन शॉट्स खेलने को मिली और बहुत ही ख़राब लाइन ऑफ लेंथ पर पाकिस्तानी बॉलर ने बॉलिंग की। इंग्लैंड की जो अप्रोच थी वो बहुत अटैकिंग थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बहुत अटैकिंग अप्रोच के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली और बिल्कुल आउटक्लास कर दिया तीनों डिपार्टमेंट में। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग इंग्लैंड की पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। अब टेस्ट सीरीज का तो इख्तिताम हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि हमने 10 साल के बाद पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड की सरजमीन पर हार गए हम। लेकिन अब T20 सीरीज है, 28 अगस्त को उसका आगाज हो रहा है और पाकिस्तान की कमांड संभालेंगे T20 के टॉप बैट्समैन नंबर 1 बाबर आजम। और ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का स्क्वाड काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। बाबर आजम, फखर जमान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, हारिस सऊद, शाहीन शाह पीडी और मोहम्मद आमिर, तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी आई थिंक फाइनल पहले T20 मैच के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो T20 में इंग्लैंड को 3-0 से हराएगी और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करे और टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान टीम कुछ ना कुछ जरूर हासिल करे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।